साथियों, आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड के रूप में, मतलब जैसे आप मोबाइल में वॉलपेपर सेट करते हैं ऐसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी हम वॉलपेपर की तरह किसी पिक्चर को रख सकते हैं। और वॉलपेपर सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और आज मैं आपको ऐसे तीन तरीके सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला तरीका हम यूज करने वाले हैं पेंट ब्रश में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पेंट में स्टार्ट और सर्च किया PAINT, तो इतने में आपको मिलेगा पेंट। ठीक है, अब जिस फोटो को हम वॉलपेपर की तरह लाना चाह रहे हैं सबसे पहले उस फोटो को हम ओपन करेंगे। तो फाइल मेनू में हमें मिलता है ओपन, हमारा वो पिक्चर कहां पर रखा हुआ है उस लोकेशन पर आपको जाना है। तो मैंने फाइलें रखी हुई हैं लोकल डिस्क डी में और फोटोज HD फोटोज नाम से फोल्डर है। तो फोल्डर आपका कहां पर रखा हुआ है ढूंढ लीजिए या फिर किसी भी एक फाइल पर क्लिक करिए और कीबोर्ड से H बटन प्रेस करिए H। तो ये देखिए आ गया HD फोटो, डबल क्लिक करके इसको हमने ओपन किया। और जिस भी फोटो को आप वॉलपेपर की तरह लाना चाह रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैं चाह रहा हूं इस पिक्चर को वॉलपेपर की तरह ले आए, तो इस पर हमने डबल क्लिक किया तो ये फोटो हमारे सामने पेंट ब्रश में एडिट करने के लिए आ चुका है। कंट्रोल प्लस स्क्रॉल का यूज करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, हो गया है। अब इसे वॉलपेपर की तरह सेट करना है तो इसके लिए हमारे पास तरीका है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब कि डेस्कटॉप की या स्क्रीन के बैकग्राउंड में फोटो को सेट करना। और यहां पर भी तीन ऑप्शन है, इन तीनों को समझने के लिए हम इस पिक्चर का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, तो मैं रिसाइज में जाकर इसका साइज ले लेता हूं 10 और ओके। ठीक है, इस पिक्चर का साइज मैंने बिल्कुल छोटा कर दिया है ताकि इन तीनों ऑप्शंस में फर्क क्या है ये आपको समझ में आए। अब मैं ओरिजिनल पिक्चर को बिगाड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं इसे एक अलग पिक्चर के रूप में सेव करना चाह रहा हूं। तो चलते हैं सेव एज और इसका नाम मैं रख देता हूं फोटो वन और एंटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसे वॉलपेपर की तरह सेट करते हैं। तो सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सबसे पहला ऑप्शन है फील पर क्लिक किया और पिक्चर को हम चलकर देखते हैं डेस्कटॉप पर किस तरह से आया है। तो मिनिमाइज करिए तो देखिए फील का यूज करने पर पूरी स्क्रीन पर ये पिक्चर आ चुका है। फिर से हम चलते हैं पेंट ब्रश में, नीचे टास्क बार में रखा हुआ है। दूसरा तरीका है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में टाइल, इसको सिलेक्ट करिए और मिनिमाइज करके देख लीजिए कि इससे क्या हो रहा है। तो मिनिमाइज किया तो देखिए टाइल करने पर फोटो का साइज जितना बड़ा था उतना बड़ा आ गया है और बाकी स्क्रीन पर जगह खाली थी तो यही फोटो बार बार रिपीट होने लग गया है। ठीक है, तो फोटो का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और वही फोटो बार बार रिपीट होता होगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने पिक्चर का साइज छोटा किया था ताकि आपको टाइल का मतलब समझ में आए। अब अगला ऑप्शन है यहां पर सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेंटर, सेंटर पर क्लिक करते ही देखिए जरा मिनिमाइज करके तो बीचों बीच सिर्फ एक फोटो आया है और बाकी पूरी जगह बिल्कुल खाली है। ठीक है, तो पेंट ब्रश में किसी पिक्चर को वॉलपेपर की तरह या डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की तरह सेट करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, फील जिसमें पूरी स्क्रीन पर पिक्चर फैल कर आएगा, दूसरा ऑप्शन है टाइल जिसमें फोटो का साइज जितना भी बड़ा होगा उतना बड़ा फोटो आ जाएगा और वही फोटो बार बार स्क्रीन पर रिपीट होगा। ठीक है, और सेंटर पर क्लिक करेंगे तो फोटो का साइज जितना भी बड़ा है बीचों बीच उतना बड़ा फोटो आ जाएगा और बाकी आसपास चारों ओर की पूरी जगह खाली रहेगी। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका है पेंट ब्रश के द्वारा फोटो को वॉलपेपर की तरह या डेस्कटॉप बैकग्राउंड की तरह सेट करने का। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है आपकी फोटो कंप्यूटर में कहां रखी हुई है वहां पर उसे आपको ढूंढना है और फिर वहीं से डायरेक्ट उस पिक्चर से डायरेक्ट ही वॉलपेपर की तरह हम उसे सेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम चलते हैं स्टार्ट और कंप्यूटर की मेमोरी में हमें जाना है, स्टोरेज में जहां पर सारी फोटोज रखी हुई है। तो कंप्यूटर, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मेरी फाइलें रखी हुई है लोकल डिस्क डी में और HD फोटोज, तो ये रहा HD फोटोज, इस पर डबल क्लिक करके हमने ओपन किया। अब जो भी फोटो हम चाह रहे हैं उस फोटो पर डायरेक्ट हमने राइट क्लिक किया तो हमें मिलता है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड और क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड पर आ जाएगा। मिनिमाइज करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड पर ये फोटो आ चुका है। अब साइज पिक्चर का कुछ ज्यादा ही बड़ा है इसलिए ये इतना ज्यादा जूम किया हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं फिर से चलता हूं और कोई और पिक्चर हम ले लेते हैं, जैसे हमने इस पर राइट क्लिक किया और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिर से इसको मिनिमाइज करते हैं तो
तो देखिए बैकग्राउंड पर ये फोटो आ गया है, या फिर डेस्कटॉप पर भी एक फोटो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर राइट क्लिक किया और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, तो देखिए वॉलपेपर की तरह ये पिक्चर स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया वॉलपेपर सेट करने का। अब तीसरा तरीका है जहां पर आप वॉलपेपर सेट करते हैं, मतलब कि डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पर कहीं पर भी आपको राइट क्लिक करना है तो हमें मिलता है पर्सनलाइज, और पर्सनलाइज पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहां पर कई सारे अलग अलग थीम्स आपको मिलेंगे, इन्हें भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर नीचे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक किया तो कंप्यूटर में जितने भी अलग अलग लोकेशंस पर पिक्चर्स रखे हुए हैं वो सारे पिक्चर्स यहां पर दिखेंगे। फिलहाल हमें एक ही दिख रहा है कहां, डेस्कटॉप पर, और मैं लोकल डिस्क डी में अगर पिक्चर्स को जाकर ढूंढना चाहूं तो ढूंढ सकता हूं। तो ये देखिए यहां पर कई सारे पिक्चर्स हमारे सामने आ चुके हैं, तो मैंने एक पिक्चर सिलेक्ट किया और सेव, तो मिनिमाइज करके हम देख लेते हैं। ये देखिए ये फोटो आ गया है, फिर से चलते हैं नीचे टास्क बार में, विंडो खुला हुआ है, फिर से डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है, अगर इस पिक्चर में और भी हम सेटिंग्स चाहते हैं तो नीचे पिक्चर पोजीशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, फील, टाइल, स्ट्रेच, ये इन सभी का हम यहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फील का यूज किया और सेव चेंजेस, अब मिनिमाइज करके देख लीजिए, तो फील करने पर पूरी पिक्चर स्क्रीन पर फेल करा रही है। ठीक है, फिर से हम चलते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड, फिट करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो पूरी स्क्रीन पर फेल बिल्कुल खींच कर फोटो आएगी, टाइल करेंगे तो बार बार बहुत सारी छोटी छोटी फोटोज आ जाएंगी, और सेंटर करेंगे तो बिल्कुल बीचों बीच आएगी। तो ये सारे ऑप्शंस आप टटोल लीजिएगा। इसके बाद और किसी लोकेशन पर कोई फोटो हो तो हम उनका यूज कर सकते हैं, या फिर सॉलिड कलर में कई सारे कलर्स भी मिल जाएंगे, तो कोई भी कलर हमने सेलेक्ट किया और सेव, अब इसको हम क्लोज करते हैं तो देखिए पूरी स्क्रीन पर वही कलर आ रहा है। फिर से राइट क्लिक, पर्सनलाइज, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर कंप्यूटर में जहां जहां पर भी फोटोज है वो फोटोज आपको यहां पर, मतलब जहां जहां पर भी फोटोज है वो एड्रेस यहां पर, वो लोकेशंस आपको यहां पर नहीं दिखाई दे रही हो तो ब्राउज में जाकर भी फोटोज को हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब एक साथ कई सारे फोटोज को मैं डेस्कटॉप पर बैकग्राउंड के रूप में लाना चाह रहा हूं, तो इसके लिए आप पहले या तो उस लोकेशन पर चले जाइए जो यहां पर अवेलेबल है, और अगर आपकी पिक्चर वहां पर नहीं हो तो ब्राउज में जाकर आपको उस लोकेशन को ढूंढना है। तो जैसे मैं चलता हूं कंप्यूटर में लोकल डिस्क डी में, और पिक्चर्स कहां पर रखे हुए हैं, एचडी फोटोज नाम का जो हमारा फोल्डर था उस फोल्डर को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये रहा एचडी फोटोज, इसको सिलेक्ट किया और ओके, तो इस लोकेशन पे जितने भी पिक्चर्स है वो सारे आपको दिखाई देंगे। अब आपको कौन से पिक्चर्स चाहिए उनको आपको सिलेक्ट करना है, अभी सारे सिलेक्टेड दिखाई दे रहे हैं तो मैंने क्लियर ऑल पर क्लिक किया तो सारे डिसलेक्ट हो गए हैं, और जिन फोटोज को हम चाहते हैं उनके चेक बॉक्स पर क्लिक करते जाना है। तो एक सिलेक्ट किया, दूसरा पिक्चर सिलेक्ट किया, तीसरा, चौथा, जितने भी पिक्चर हम चाह रहे हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लेना है। साथ ही पिक्चर पोजीशन में आपको क्या सेटिंग चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा चेंज पिक्चर एवरी, यानी एक फोटो के बाद में वॉलपेपर पर दूसरा फोटो कितने समय के बाद में आना चाहिए, तो हम 1 डे या 12 आवर या अलग अलग कई सारे ऑप्शंस हैं ले सकते हैं। फिलहाल हम लेते हैं 10 सेकंड, मतलब एक फोटो के बाद दूसरी फोटो डेस्कटॉप पर 10 सेकंड के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम लिया, और शफल को अगर हम एक्टिव कर देंगे तो रेंडमली सारी फोटोज एक के बाद एक आएंगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सारी फोटो एक साथ ले लें तो सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं, कर देंगे तो सारी फोटो सिलेक्ट हो जाएगी। फिलहाल हमें 4 या 5 फोटोज ही चाहिए, और सेव चेंजेस, अब क्लोज कर देते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर अभी आपको एक फोटो वॉलपेपर के रूप में दिखाई दे रही है, 10 सेकंड तक आपको वेट करना है, 10 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक फोटो चेंज हो जाएगा। साथियों उम्मीद है आज के वीडियो में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के ये 3 तरीके आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लेटेस्ट वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करते रहें, और बेल आइकन को एक्टिव जरूर कर लें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।